was overjoyed and thought that Shivaji would accomplish what was always in her mind. अभी जीजाबाई बहुत सेटिस्फाइड थी, खुश थी कि शिवाजी महाराज उनके स्वराज्य एस्टैब्लिश करने के स्वप्न जो सपना था उसे सच करने जा रहे थे. Now we see the preparation in the Mawal Valley. Shivaji soon got busy with his new activity. और शिवाजी महाराज फिर अपने एक नए एक्टिविटीज़ में बिजी हो गए. Along with his comrades, he started intensive training in scoutmanship, riding, exploring the secret parts in the hills and getting familiar with the general topography of the land, its valley and ghats and possible communication route. शिवाजी महाराज ने अपने मावलास को लेके उनका क्या हो गया, उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी. उन्हें स्क्वाडमैनशिप, उन्हें तलवारबाजी सिखाई, राइडिंग सिखाई और हेवी वैली के अंदर, हिल्स के अंदर चोर रास्ता कैसे ढूंढना है, कैसे वैलीज को क्रॉस करना है, पार करना है, शत्रुओं को कैसे मात गिराना है, इन सब की ट्रेनिंग वहाँ शुरू कर दी गई. शिवाजी महाराज ने अपने मावलास को लेके ये सारी ट्रेनिंग शुरू कर दी. उन्हें युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करना है इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी. ही वॉन ओवर द मावलास हु बिकम हिज मोस्ट डिवोटेड फॉलोअर्स. और उनकी ये मेहनत देख के सारे मावलास उनके फॉलोअर बन गए थे. विलिंग टू ले डाउन देयर लीव्स फॉर हिम एट एनी टाइम. और वो शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान देने तक के लिए भी तैयार थे. जियेंगे तो सिर्फ शिवाजी महाराज के लिए और मरेंगे तो भी शिवाजी महाराज के लिए. ये एक ही ध्येय उनके सामने था, एक ही एम उनके सामने था. शिवाजी एंथुसियाज्म इनक्रीज अ थाउजेंड्स फोल्ड. और ये मावलास के एफर्ट देख के शिवाजी महाराज के अंदर एक और मतलब और जो शिवाजी महाराज के अंदर निर्माण हुआ. शिवाजी मेड अ डिटेल सर्वे ऑफ ऑल द फोर्ट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन द एरिया. इन दिस हिज फॉलोअर्स वेर ऑफ ग्रेट हेल्प टू हिम. इन द कोर्स ऑफ टाइम ही केम टू नो द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ एवरी एस्टेब्लिशमेंट, सीक्रेट पाथवेज, अंडरग्राउंड रोड्स, एम्यूनिशंस, डम्स एंड सेलर्स. और शिवाजी महाराज अपने मावलास के साथ उन्होंने पूना के आसपास की सारे हिल्स की, सारे वैलीज की अच्छे से उन्होंने स्टडी की, उसके सारे चोर रास्ते, सीक्रेट पाथवेज, अंडरग्राउंड रूट्स, अम्यूनिशन सारे अच्छे से उन्होंने सर्वे किया, सारे अच्छे से उन्होंने क्या किया, सबको देखा, परखा, सारे सीक्रेट रूट्स वगैरह उन्हें खुद सर्वे किए, जांचे और कैसे शत्रु को मात गिराना है, शत्रु को कैसे चकमा देना है वैलीस के अंदर, अगर एक शत्रु घुस गया उन्हें कैसे चकमा दे के चोर रास्ते से बाहर निकल. ये सारा एजुकेशन, सारी ट्रेनिंग उन्होंने अपने मावलास को दी. पूना के आजू बाजू के सारे हिल्स वैली को उन्होंने अच्छे तरह से सर्वे करके स्टडी किया. फ्रेंड्स, इन मावल ऑल ओवर द 12 मावल्स देयर वेर देशमुख guarding their individual vatans to which they were more attached than anything else. और ये सारे 12 मावलास में जो देशमुख थे वो कैसे थे, मतलब वो खुद के बारे में सोचते थे. वो देशमुख को जो वतन्स उनके सर्विस के अंदर उनको जो वतन्स गिफ्ट में मिले थे वो वतन के बारे में ही, वो खुद के बारे में ही सोचते थे, अपने वतन के बारे में ही सोचते थे, किसी और के बारे में वो नहीं सोचते थे. देयर वेर कंस्टेंट क्वारल बिटवीन देम लीडिंग टू अनयूजलेस वेस्ट ऑफ मनी एंड मैन पावर. और वो खुद के अंदर, मतलब ये देशमुख जो थे, कुछ मराठा देशमुख, वो अपने आपस में ही लड़ाई झगड़े करते थे और उसमें उनका सारा मनी भी वेस्ट होता था और मैन पावर भी वेस्ट होता था. शिवाजी सॉ दिस वेस्ट एंड डिसाइड टू पुट एंड टू इट. और शिवाजी महाराज ने जब ये देखा तो उन्होंने डिसाइड किया ये इन लोगों के बीच में से ये सारा क्वारल जो है वो उसको मिटाना है. ही वुड विजिट द देशमुख इन द एरिया, टॉक टू देम, प्रिस्यू देम टू डिसिस्ट फ्रॉम देयर फोली एंड रेज बिफोर देम अ वेरी अट्रैक्टिव पिक्चर ऑफ द स्वराज्य ऑफ हिज ड्रीम. उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने देशमुख के घर गए, उनके एरिया में गए, उनसे मिले, उनसे बात की, उन्हें स्वराज्य के बारे में जानकारी दी, कैसे हम खुद का स्वराज्य एस्टैब्लिश करके हम खुद कैसे
फ्री होंगे इसके बारे में, अपने सपने के बारे में उन देशमुख से बात की, और देशमुख के बीच में आपस में जो लड़ाई थी वो लड़ाई को उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्हें अपने साइड कर लिया। ही डूस वॉन मेनी ऑफ देम ऑल ओवर हिज साइड, और उसमें से कुछ देशमुख उनके साइड हो गए। ही यूज फोर्स अगेंस्ट दोज हु वेयर एडम, कुछ देशमुख में थे उसमें से वो उनके अगेंस्ट भी गए, पर उनको भी शिवाजी महाराज ने अच्छे से लेसन सिखा के अपने साइड कर लिया था। इन दिस वे ही स्टॉप द मैचुअल वॉरफेयर, एवरीबडी वॉज प्लेस विथ दिस हैप्पी, और इसी तरह से उन्होंने अपने अंदर ही मराठा लोगों के अंदर, अपने इंसानों के लोगों के अंदर जो लड़ाई झगड़े थे उनको ख़त्म कर दिया था, और लोगों के मन में शिवाजी महाराज के लिए आदर सम्मान और बढ़ गया। लोग आपस में एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करने लगे और लोग हैप्पी हो गए। रिजल्ट एंड ऑल स्टार्टेड सिंगिंग द प्रेज ऑफ शिवाजी, सारे लोग शिवाजी के लिए ही मतलब शिवाजी के बारे में सोचने लगे, उनके ड्रीम स्वराज्य के बारे में ही सोचने लगे। झुंझावराव मोरल, हम्बी हेबतराव शेलमकर, बाजी पासलकर, विठोजी शितोळे, जेधे पायगुडे, भंडार वेर, सम ऑफ द देशमुख्स इन द मावर वैली हु बिगेन टू लुक अपॉन शिवाजी एज देयर लीडर, और इनमें से कुछ लोग शिवाजी महाराज को अपना लीडर मानने लग गए। द ड्रीम ऑफ स्वराज्य वॉज फास्ट अप्रोचिंग द डे ऑफ फुलफिलमेंट, और स्वराज्य का जो सपना देखा था शिवाजी महाराज ने वो मतलब वो कंप्लीट होने के रास्ते में ही था। वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, वर्क कर रहा था, वर्क, शिवाजी महाराज का जो सपना स्वराज्य के बारे में वो वर्क होने लगा था। शिवाजी रॉयल सील, द जागीर वॉज ऑलरेडी बिगन एडमिनिस्ट्रेटेड इन द नेम ऑफ शिवाजी, और जो जागीर थी वो शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो गई थी, स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब शिवाजी महाराज ने अपने जागीर को वर्क इन प्रोसेस में कर दिया था। शाहजी राजे हैड कॉस्ट अ स्पेशल रॉयल सील फॉर शिवाजी, शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के एक स्पेशल रॉयल सील बनाया था, उसके ऊपर क्या लिखा था, तो प्रति पंचद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्व वंदिता शाहस्नुहु शिवसैया मुद्रा भद्राय राजते। सी द रॉयल सील, यू सी द रॉयल सील ऑन द स्क्रीन ना, यस और नो। अब ये रॉयल सील के ऊपर जो लिखा था उसका मीनिंग क्या था, दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून, दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डिनोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दिस रॉयल सील इन अ वे फोरटोल्ड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज्य। और ये जो रॉयल सील था उसके ऊपर क्या लिखा गया था, तो शिवाजी महाराज कि जो मतलब जो स्वराज्य के लिए कर रहे थे उनका सक्सेस मून की तरह बढ़ते जाए, और ये पूरे विश्व में क्या हो जाए, शिवाजी महाराज का ये सक्सेस पूरे विश्व भर में फैले। शिवाजी महाराज जो शाहजी महाराज के शाहजी राजे के जो पुत्र थे उनके लिए जो ये सील बनाया था, वो सील किसके लिए था, तो लोगों के कल्याण के लिए था, ऐसा बोलने वाला, मतलब जो कुछ हो रहा है, जो स्वराज्य एस्टेब्लिश हो रहा है वो किसके लिए है, तो लोगों के कल्याण के लिए ही है। और ये जो राज मुद्रा थी ये किसके लिए था, ये रॉयल सी लोगों के कल्याण के लिए ही बनाया गया था। इन दोज डे मोस्ट ऑफ द रॉयल सील्स वेर कवर्ड इन पर्शियन, शिवाजी वॉज इन संस्कृत, और मोस्ट ऑफ तभी के जो रॉयल सील थे ना वो कौन सी भाषा में बनाए जाते थे, फारसी भाषा में बनाए जाते थे। बस शिवाजी राजे का जो ये रॉयल सील, शिवाजी महाराज की ये जो मुद्रा थी वो कौन सी भाषा में बनाई गई थी, संस्कृत भाषा में बनाई गई थी। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज, देयर कुड बी नो स्वराज्य विदाउट यूर ओन लैंग्वेज एंड यूर ओन रिलीजन। ये संस्कृत भाषा में सील क्यों बनाई गई थी, क्योंकि स्वराज्य इट मीन खुद का राज्य, तो जब तक खुद की लैंग्वेज ना हो, खुद का रिलीजन ना हो, तब तक ये स्वराज्य एस्टेब्लिश नहीं होगा। इसलिए शिवाजी महाराज का जो रॉयल सील शाहजी राजे ने बनवाया था वो अपने ही खुद के लैंग्वेज में था, मतलब संस्कृत लैंग्वेज में था।
बट एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी अ हेट्रेड फॉर अदर रिलीजन. बट तभी शिवाजी महाराज के टाइम पे किसी और लैंग्वेज का और रिलीजन का बिल्कुल भी मतलब दुराचार नहीं हुआ था. अदर रिलीजन के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा और विश्वास दिखाया था शिवाजी महाराज ने. द सील वॉज अ गारंटी टू ऑल द मावल्स दैट शिवाजी गवर्नमेंट वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दे वेर क्विक टू ग्रैप दिस पॉइंट. और जो ये रॉयल सील था शिवाजी महाराज के लिए, जो रॉयल सील बनाया था, ये लोगों के कल्याण के लिए ही बनाया था. और फिर लोगों को कल्याण, लोगों के लिए मतलब लोगों का कल्याण देके उनके भलाई के लिए ही ये सारा राज कारभार शुरू हो गया था. ये सब